असलुको गाइस, मेरा नाम है अब्दुल। आप लोग देख रहे हैं अब्दुल डब्ल्यू गेमिंग एंड डब्ल्यू डब्ल्यू ई अपडेट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट ऑफ चैम्पियंस के विनर प्रिडिक्शंस को लेकर, रिजल्ट्स, विनर्स एंड स्पॉयलर्स को लेकर। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे मैचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के मैच से शुरू करते हैं। दोनों के सिंगल्स मैच है। इन दोनों की राइवलरी बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये राइवलरी पर्सनल हो चुकी है, ये बहुत पर्सनल लेवल पे जा चुकी है। और अगर इन दोनों की राइवलरी आगे तक बढ़ती है तो फिर मुझे लग रहा है बेकी लिंच जीतेंगी। अगर इनकी राइवलरी आगे नहीं बढ़ती तो हो सकता है ट्रिश स्ट्रैटस इस मैच को जीत जाएँ, लेकिन इस मैच में परफेक्ट हील ट्रिश स्ट्रैटस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेकी लिंच इस मैच को जीत जाएंगी, ट्रिश स्ट्रैटस को हरा कर अपनी जो जीत है वो कमा लेंगी। अगला जो हमारा मैच है वो है रिया रिपली वर्सेस नटालिया का मैच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप। रिया रिपली इस मैच को जीतेंगी, इतना तो आंखें बंद करके भी इंसान बता सकता है। नटालिया के ख़िलाफ़ क्यों मैच हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग चैम्पियन है यहाँ पे रिया रिपली, तो उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा सा कंपोनेंट रखना चाहिए। बस एक नटालिया को रैंडमली आके उनको पुट कर मैच करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे रिया रिपली इस मैच को जीत कर अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप को रिटेन करने वाली है। अगला मैच है वो बियांका बिलेयर वर्सेस आस्का का। बियांका बिलेयर की रेन अब 400 से ऊपर जाने वाली है। बियांका बिलेयर की जो रेन है, अब फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं उनकी रेन को, और उनको भी हेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जो रेन है वो बहुत बोरिंग हो चुकी है। रेसलमेनिया के अंदर उनको आस्का के साथ ही भिड़वाया गया था, उसके अंदर बियांका बिलेयर ही जीते थी, उन्होंने अपना टाइटल उधर भी रिटेन किया था। लेकिन इस मैच में जो नाइट ऑफ चैम्पियन जो आज शाम को हमें देखने को मिलेगा, आज रात को, उधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि दिस इज़ द ओनली चांस फॉर आस्का टू डिथ्रोन बियांका बिलेयर। बियांका बिलेयर वर्सेस आस्का के मैच में आस्का अगर नहीं जीतती ना, तो बियांका बिलेयर का हारने का कोई चांस ही नहीं दिखता, ये कुछ बताया जा रहा है। तो विनर प्रेडिक्शन की बात करें, आस्का की तरफ मैं जाऊँगा, कोई अपडेट शेयर उसकी कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बियांका बिलेयर हारना चाहिए और फाइनली सऊदी अरेबिया के अंदर उनको अपनी टाइटल जो है वो ड्रॉप करनी चाहिए। गंथर वर्सेस अली के मैच के बारे में बात करते हैं। इस मैच में भी सीधा सीधा प्रिडिक्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि फैंस बता रहे हैं कि गंथर और अली के मैच के अंदर हमें अली भी विनर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गंथर को एक अच्छा सा एक फ्यूचर चाहिए। गंथर को बड़ी यहाँ पर चैम्पियनशिप के लिए भिड़वाना है, बड़ी बड़ी राइवलरीज रोमन रेंज होंगे इस तरह के, उन्होंने काफ़ी इस बार टीज भी किया है, तो इसीलिए हो सकता है WWE उनके लिए यहाँ पे अली को यहाँ पे जितवा दे। और एक तो सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मेरी जो प्रिडिक्शन है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे गंथर की ही होने वाला। अगला मैच है वो है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। रिसेंट के मीडिया इवेंट में ट्रिपल एच ने कंफर्म जो है वो कर दिया है कि जो कोडी रोड्स है वो एक बाजू, यानी एक आर्म उनका टूटा हुआ था रॉ के अंदर, उस एक टूटे हुए बाजू के साथ वो ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ेंगे। यानी ही हैज़ टू फाइट द बीस्ट इनकार्नेट विद जस्ट वन हैंड। अब आप सोचो कैसा मैच होगा, तेज़ हो गए, क्विक हो गए, या थोड़ा स्लो होगा, हू नोस क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली कोडी रोड्स को तो बहुत ही ब्रूटलाइज करेंगे ब्रॉक लेसनर। लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है वो होने वाली है, अगर तीन मैचेस होते हैं तो ब्रॉक लेसनर को जिता दो, दो मैचेस हैं तो सेंस क्या बनता है। लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रॉक लेसनर को पिक करूँगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अभी के हिसाब से, अभी जो उनका करेक्टर है उसके हिसाब से, वो डिज़र्व करते हैं एक जीत कोडी रोड्स के खिलाफ। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, वो है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। कौन बनेगा फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन, ये हमें पता चल जाएगा। मेरी जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो सेथ वर्सेस एजी स्टाइल्स के मैच में। सेथ फ्रीकेंट रॉलिंस को इतना अरसा हो गया उनको टाइटल ले दिया मेन, इतना अरसा हो गया, और सेथ फ्रीकेंट रॉलिंस उतना पुश भी डिजर्व करते हैं, उनको तब भी नहीं मिलता। एजी स्टाइल्स द हाउस एट जो एजी स्टाइल्स हैं उनको भी नहीं हारना चाहिए, मतलब दोनों को ही जितवा दो ऐसा दिल कर रहा है। लेकिन इस मैच में एक ही विनर होगा। सेथ फ्रीकेंट रॉलिंस के शुरू से ही, जैसी टूर्नामेंट, जैसी यहाँ पे टाइटल रिवील हुई, सीधा फैंस का ये ओपिनियन था कि सेथ को जिताओ, सेथ को जिताओ टाइटल। इतना करीब आ गया सेथ, अब उनके सामने एजी स्टाइल्स है। एजी स्टाइल्स में भी अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन सेथ से नहीं है ज़्यादा।
सेथ फ्रीकन रॉलिंस मेरा प्रिडिक्शन और कोई नहीं बल्कि हमारे सेथ फ्रीकन रॉलिंस है और वो हमारे पहले और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन। अगला मैच है वो है हमारे मेन इवेंट पॉसिबली केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस सोलो सिकोवा। इस मैच के अंदर जो विनर है वो काफ़ी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि ऐसा कह भी नहीं सकते कि रोमन या सोलो सिकोवा हार जाए, और ये भी नहीं कह सकते कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन के पास खेल जाए और उनके पास चार बेल्ट्स हो जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते। ब्लड लाइन की इंटरफियरेंस 110% होने वाली। द ऊसोस, सबसे बड़ी चीज़ द ऊसोस, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो टेप था उसके अंदर जिमी ऊसो अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलते हैं, इतना बड़ी चीज़, वो भी इतना बड़ी चीज़, इसके बावजूद अगर रोमन ने जीत जाते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि रोमन एंड सोलो आगे जाके ऊसोस से ज़रूर अपनी टाइटल डिफेंड करवाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ऊसोस के डिस्ट्रैक्शन की वजह से Kevin Owens and Sami Zayn will retain their titles and that's my prediction for Night of Champions. Pumped हैं आप या नहीं pumped? अभी pumped हो जाओ भाई, क्योंकि आज रात को है Night of Champions, बिल्कुल लाइव आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा जल्दी, लेकिन टिल देन गुड बाय।